हेलो स्टूडेंट गुड इवनिंग टारगेट विथ आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्डमाला परीक्षण पर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत क्योंकि यहाँ से मिनिमम दो क्वेश्चन और मैक्सिमम तीन से चार क्वेश्चन तक बन सकते हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि इसमें कई तरह के अल्फ़ाबेट से रिलेटेड टाइप्स होते हैं हम इन पर क्रम से चर्चा करेंगे आज पहली क्लास अल्फ़ाबेट में हम लोग चर्चा करेंगे कि अल्फ़ाबेट में क्रम में अल्फ़ाबेट में होता क्या है तो अल्फ़ाबेट जैसा नाम है वर्णमाला परीक्षण इसे कहते हैं और यहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं तो हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को जैसा कि हमने आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये अंग्रेजी अल्फाबेट के छब्बीस लेटर हैं ठीक है लेटर्स ऐसे लिखे जाते हैं इस रूप में लेटर्स होते हैं पहले इनकी एकदम प्लेटफार्म वाली स्थिति प्लेटफार्म वाली कंडीशन आरंभिक कंडीशन को हम समझते हैं तो सबसे पहले देखें जब भी हम वर्णमाला लिखते हैं ऐसे लिखते हैं वर्णमाला निर्जीव है और निर्जीव का खुद का दाया बाया नहीं होता निर्जीव का खुद का दाया बाया नहीं होता जब हम इस पर वर्क करते हैं तो ऐसे करते हैं तो इसलिए इसको ये राइट छोर मानेंगे और इसको लेफ्ट ठीक है राइट छोर पर कौन होगा जेड और लेफ्ट छोर पर कौन होगा ए इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम अपनी लिप देवनागरी लिप को बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं बाएं से दाएं का मतलब हमारे बाएं से दाएं की तरफ तो इसका मतलब है कि वर्णमाला का लेफ्ट एंड राइट देखना हो तो हम अपने दाएं बाएं के अनुसार वर्णमाला का दाया बाया समझेंगे राइट ये वर्णमाला के 26 लेटर्स हैं वर्णमाला में पहला लेटर क्या होता है ए दूसरा बी, तीसरा सी चौथा डी पांचवा ई यानी ये जो नंबर्स हैं जो क्रम बन रहे हैं इनको हम प्रत्येक अक्षर की प्लस वैल्यू मानेंगे इनके क्रमांक मानेंगे इनके नंबर्स मानेंगे और हमारा पहला सर्वप्रथम पहला काम होगा कि यहाँ पर हमें सभी लेटर्स की प्लस वैल्यू को एकदम कंठस्थ करना याद करना याद इतना बेहतर करना कि इसके अक्षरस और नंबर हमें एक सरीखे दिखते हों ठीक है याद करने के लिए कोई ऐसा तरीका मत इस्तेमाल करिएगा कोई ऐसा तरीका मत इस्तेमाल करिएगा जैसे एक तरीका आपको किताबों में मिल जाता है इजोटी का फार्मूला जो पांच के गुणांक पर है पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस इसी तरह से आपको मिल जाते हैं सीफिलो रक्ष का एग्जाम्पल ठीक है सीफिलो रक्ष का एग्जाम्पल तो ये आपके तीन के गुणांक पर है तीन नौ तीन छे नौ तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस और चौबीस तो इनको देखकर लगता है स्टूडेंट को कि हां भाई दो दो अक्षर ही तो बीच में याद करने हैं बाकी तो हो गया भाई मैं इसे रोकता हूं आपको बताता नहीं रहा बता नहीं रहा रोक रहा हूं क्यों रोक रहा हूं क्योंकि ये ऐसी बैसाखियां हैं मेरी नज़र में जिनसे आप चलना तो सीख लेंगे लेकिन दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आप ये फांस बन जाएगी तो ऐसे तरीकों से नहीं हमें सबसे पहले इनका बेहतर रूप से क्रमांक याद करना है सभी लेटर्स के हमें क्रमांक याद करने हैं क्रमांक कैसे याद करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इतना बेहतर याद हो कि अक्षर और उसके क्रमांक हमें एक जैसे दिखते हो मतलब क्यू लिखा हो तो हम जब चाहें तब क्यू का क्रमांक सत्रह दिखाई दे क्यू सत्रह एक जैसे एस उन्नीस एक जैसे डब्ल्यू तेईस एक जैसे के ग्यारह एक जैसे मतलब एक बार अपने आप से ही नंबर्स एक बार याद कर लो और उसके बाद नंबर्स बोलकर अक्षर पकड़ने की कोशिश करो या अक्षर बोलकर नंबर अकेले बार केवल थर्टी मिनट्स तीस मिनट ईमानदारी से आप समय दे दो तो यह हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो आलसी टाइप पहले से विचार बना लेते हैं कि यार कौन रट्टा मारे ए से जेड तक लिख लेंगे दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेंगे हमें हमें हमारा जवाब मिल जाएगा यस yes, ज्यादातर प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे नो no डाउट लेकिन कुछ प्रश्नों के जवाब फिर आपको नहीं मिल पाएंगे सामने वर्णमाला लिखने के बावजूद क्योंकि इसी अल्फाबेट से ही रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग होता है कोडिंग डिकोडिंग में इतने तरह से कोड किए जाएंगे कि अगर आपको लिख करके वर्णमाला सामने रख लो फिर भी पकड़ने में आपको चार चार पांच पांच मिनट लग जाएंगे एक एक क्वेश्चन के तो पांच मिनट में क्वेश्चन हल होने का मतलब न हल होना ही है इसका बात समझ रहे हैं क्योंकि एक हल होने के बाद चार प्रश्नों का नुकसान भी तो कर जा रहा है तो फिर ऐसे नहीं और याद रखें छोटी सी बात अगर क्रमांक इतना बेहतर याद होगा कि अक्षर और क्रम एक जैसे दिखाई दें तो हर एग्जाम में आप अल्फाबेट वाले परिवार से पांच से सात मिनट एकदम सेफ निकाल सकते हो दूसरे प्रश्नों में लगाने के लिए तो निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसे मिस मत करना ठीक है और आप जानते हो कि टेबल पहाड़े अगर शुरुआती कक्षाओं में याद ना किए जाए तो फिर जल्दी याद नहीं आते तो ये प्रारंभिक स्थिति है इसको याद करके ही आगे बढ़ो तो हमेशा याद रहेगा नहीं तो जैसे ही भांजी मारना सीख गए तो फिर आप लोड नहीं लेते हो और इसका नुकसान एग्जाम में झेलना पड़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता तो सबसे पहले इनके नंबर्स जैसा मैं चर्चा करता हूं कि कुछ नंबर बनावट के आधार पर पकड़ सकते हो या ए बी सी डी एक दो तीन चार मुझे नहीं लगता कि इसे भूल पाओगे या एक्स वाई जेड चौबीस पच्चीस छब्बीस तो चार तीन सात शुरुआती और आखिरी हमें खट से याद हो सकता है एक बार भी गौर से देख लो कुछ अक्षर बनावट के आधार पर जैसे एफ़ का ए दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो मिलती जुलती आकृत छः के जैसी जी हम ऐसे लिखते हैं तो इसका वाला जो हिस्सा हम जी का लिखते हैं लगभग मिलती जुलती सेवन के जैसी एच का दरवाज़ा अगर ये बंद हो जाए तो मिलती जुलती आठ के जैसा और आई हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में आई का स्वरूप नौ के जैसा ही बनाते हैं तो इसका नौ क्रमांक हो जाएगा एल एम एम का देखे एम की ही बनावट का एक अक्षर वर्णमाला में और होता है यम की ही बनावट का एक अक्षर वर्णमाला में और होता है डब्लू इसको एम और डब्लू को इसको तेरह प्लस तेईस के रूप में याद रख सकते हैं ना तेरह ए है तेईस ओ है तेरह दस तेईस के रूप में इसी तरह आर का ए दरवाजा बंद करो तो आठ के जैसा आठ यच होता है अगला आठ अट्ठारह यश का ये दरवाजा बंद करो तो नौ के जैसा अगला पिछला वाला नौ क्या था आई था अगला नौ उन्नीस हो जाएगा इसी तरह टी को ट्वेंटी के रूप में याद रख सकते हैं कुल मिला करके आप अपने लिए बना लो इससे बेहतर बना सकते हो अपने लिए बना लो इससे बेहतर बना सकते हो तो यहां पर सबसे पहले आपको पूरे नंबर से याद करने होंगे प्रत्येक अक्षर के तो चार तीन सात इधर आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह पांच मिनट के अंदर सोलह सत्रह आपके क्लियर हो जाते हैं दस बच रहा है और वो दस के लिए आप किसी बैसाखी की जरूरत मत पकड़ें लेकिन याद करने के लिए हमारी बात भूलना मत क्योंकि जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो हमारी बात ही आपको सच्चाई दिखाएगी आप खुद अनुभव करेंगे कि जिसको क्रमांक अक्षर इतना बेहतर याद है उसको ना अल्फाबेट में समय ज्यादा लगेगा ना कोडिंग में ऑटोमेटिक क्वेश्चन का जवाब आपको दिखाई देगा ठीक दूसरी बात प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर निकालना विपरीत अक्षर के लिए इसका मतलब क्या होता है विपरीत अक्षर का जैसे यहां से देखो पहला अक्षर कौन है इस छोर से ए और उस छोर से पहला अक्षर जेड तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट लेटर इसी तरह बी वाई सी एक्स डब्ल्यू वी एफ यू जी टी इसी तरह एम N तक तो ये तेरह जोड़े यानी विपरीत अक्षरों के रूप में भी हमें याद रखना है एक तरीका तो इसका ऐसा होता है कि जैसे एफ का विपरीत अक्षर निकालना है तो एफ का क्रमांक प्लस वैल्यू क्या है सिक्स तो टोटल सत्ताईस में से हम सिक्स को माइनस कर दे तो इक्कीस आ जाएगा इक्कीस आ जाएगा और इक्कीस प्लस वैल्यू किसकी यू की ठीक है तो ए सत्ताईस में से विपरीत अक्षर निकाल सकते हो 27 से माइनस करके अच्छा 27 से माइनस क्यों किया जाता है इसको जरा समझ लो सत्ताईस से माइनस करने का सेंस ये है कि अगर हम इधर से सबको नंबरिंग कर डालें अगर हम इस छोर से सबकी नंबरिंग कर डालें तो इस छोर से सबकी नंबरिंग अगर आप करेंगे तो जरा देखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन टी टी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी किसी भी लेटर के दोनों क्रमों को आप देखें जैसे एफ का अगर रैंक देखें तो सीधा रैंक सिक्स है और उल्टा ट्वेंटी वन इक्कीस और इसका अपोजिट लेटर यू का अगर देखें तो इसका भी 6 और 21 है लेकिन क्रम उल्टा इसका सीधा इक्कीस और उल्टा छे इसका मतलब होता है कि इधर से छठवें अक्षर का विपरीत इधर से छठवा वाला होगा तो इधर से छठवा वाला कौन होगा ये तो हमें नहीं पता क्योंकि हम जो क्रम याद किए होंगे एक की तरफ से वाला क्रम याद किए होंगे तो एक की तरफ से क्रम याद किए होंगे तो हमें नहीं पता तो हम उसको क्या करते हैं प्रत्येक अक्षर के दोनों क्रमों का योग सत्ताईस होता है तो हम उसको सत्ताइस से अगर पलट देंगे तो उधर से जो छह होगा इधर से इक्कीसवा हो जाएगा इसलिए 27 से घटाकर विपरीत अक्षर निकालना जानते तो हों लेकिन केवल इसी पर निर्भर नहीं रहना है बल्कि प्रत्येक अक्षर के सीधे सीधे विपरीत अक्षर भी रट्टा मारने हैं एक तरीका हम आपके सामने लिख देते हैं चाहे आप यही याद कर लीजिए या इसको और मॉडिफाई करके आप अपने लिए बना लीजिए जैसे उफ बाई लव शर्ट गेज पी के मन जे क्यू सी एक्स डीडब्ल्यू तो ए आपके सामने ए आपके सामने एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह जोड़े छब्बीसों अक्षर अपने विपरीत अक्षर के साथ है तो इनको इसी रूप में बनाया इसलिए गया है कि ताकि आपको याद कर रहे जैसे उफ पाई लव लव धरती का सबसे विवादास्पद शब्द ये अपने आप में भी देख रहे हैं एल ओ का अपोजिट है ई का अपोजिट यहां से यहां तक उच्चारण शर्ट का कर लो फिर गेज पीके Man, JQ, CX, DW. मतलब इनको करके प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर भी हमें सटीक रूप से याद हो तो पहला काम याद रखना हर एग्जाम में लिख लो मेरी बात पांच से सात मिनट आपका ये सेव करेगा हर एग्जाम में अगर ये दो बातें एक तो प्रत्येक अक्षर का क्रमांक और विपरीत अक्षर बेहतर ढंग से याद हो ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ा जाए तो यहां पर देखें यहां पर देखें तो इस कंडीशन में अब अगर से छबीसों अक्षर हैं वर्णमाला के वर्णमाला के छब्बीस अक्षर हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये टोटल 26 लेटर हैं वर्णमाला के इन 26 लेटर के अगर 26 लेटर को अगर दो बराबर बराबर पार्ट में बांट दिया जाए तो ए, ए से लेकर एम तक ये वर्णमाला का आधा भा, पहला आधा भाग है तो इसको हम वर्णमाला का इसको हम वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहेंगे प्रथम अर्धांश प्रथम यानी पहला अर्धांश अर्ध धन अंश अर्ध यानी आधा और अंश यानी हिस्सा या भाग तो इस तरह वर्णमाला का प्रथम अर्धांश मतलब वर्णमाला का पहला आधा भाग और एन से लेकर जेड तक ए वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश दूसरा आधा भाग वर्णमाला का दूसरा आधा भाग द्वितीय अर्धांश है ठीक है तो इस अर्धांशो को भी इसलिए जानना जरूरी है कि जो पहले टाइप का प्रश्न हम करेंगे दाएं बाएं से से रिलेटेड वर्णमाला में वो कुल पांच फॉर्मेट पूछा जाता है तो उस पांच फॉर्मेट को पहले आप अच्छी तरह से समझ लो पांच फॉर्मेट को आप अच्छी तरह से पहले समझ लो सबसे पहला फॉर्मेट होगा सबसे पहला फॉर्मेट होगा कि वर्णमाला क्रम अल्फाबेट क्रम वर्णमाला क्रम क्या होता है वर्णमाला क्रम क्या होता है इस बात को आप समझिए वर्णमाला क्रम कहते हैं वर्णमाला की स्वाभाविक एवं जो सामान्य स्थिति लिखी हुई है जब वर्णमाला ए टू जेड आर्डर में लिखी होती है तो इसको वर्णमाला का सीधा क्रम या वर्णमाला क्रम कहते हैं ठीक है थीके? तो वर्णमाला क्रम क्या हुआ जब वर्णमाला ए टू जेड आर्डर में लिखी हो तो यह वर्णमाला क्रम कहलाएगा दूसरा जो फॉर्मेट होगा दूसरा फॉर्मेट होगा वर्णमाला का वर्णमाला का विपरीत क्रम वर्णमाला का विपरीत क्रम तो वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होता है वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होता है जब वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर में यानी Z टू एर्डर में लिखी हो तो इसे वर्णमाला का विपरीत क्रम लिखना रिवर्स क्रम लिखना कहलाता है इसी तरह जो तीसरा फॉर्मेट होगा वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए आपसे कह दे कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब समझ लें क्या होता है कि प्रथम अर्धांश प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम जो प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम है इस विपरीत क्रम का सेंस ए हो जाता है कि केवल तेरा अक्षर ही नहीं प्रथम अर्धांश मतलब ए टू एम तो ए टू एम को रिवर्स क्रम में लिखा हो तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल तेरह अक्षरों से ही हमारे प्रश्न बनेंगे जी नहीं अक्षर तो हमेशा छब्बीसों रहेंगे जब कहे कि यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा गया है तो इसका सेंस होता है कि इन छब्बीसों में से पहला 13 लेखा, पहला 13 लेटर यानी ए टू एम को एम टू ए लिखा गया है और दूसरा अर्धांश एन टू जेड यानी अपनी सामान्य स्थिति में है यानी अब जो क्वेश्चन किया जाएगा वो क्वेश्चन इस फॉर्मेट से इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेंटेंस बोल दे कि यदि प्रथम अर्धांश को वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को रिवर्स क्रम में लिखा गया है तो उसका मतलब पूरी वर्णमाला इस सेप में है हम ये सेप समझेंगे तभी तो इस पर प्रश्न बना पाएंगे तो ये प्लेटफार्म है ये मूल ढांचा है जिस पर प्रश्न बनने हैं पहले हम उस भाष ढांचे की भाषा की बात समझ लें कि इस किस रूप में जवाब आने इसी तरह इसी तरह अगर वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश द्वितीय अर्धांश वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम की बात करें वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम की बात करें यानी अगर कहे कि यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम का सेंस क्या लेंगे हम बिल्कुल यही कि पहला अर्धांश अपनी सामान्य अवस्था में रहेगा ए टू एम ऑर्डर में लेकिन दूसरा अर्धांश रिवर्स क्रम में रहेगा जेड टू एन ऑर्डर में है ठीक है जेड टू एन ऑर्डर में इसी तरह पांचवा फॉर्मेट जो होता है अगर आपसे कहे कि यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसका सेंस क्या होता है दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम क्या होगा कि दोनों अर्धांश रिवर्स क्रम में लिखे हों अपनी अपनी जगह पर ही हों लेकिन रिवर्स क्रम में जैसे पहला अर्धांश एम टू में और दूसरा अर्धांश जेड टू एन आर्डर में यानी ये पांच फॉर्मेट से पहले टाइप का जो दाएं बाएं से संबंधित क्वेश्चन किया जाएगा इन पांच फॉर्मेट से पूछा जाएगा तो हम बारी बारी से इन पांचों फॉर्मेट के क्वेश्चंस को देखेंगे फटाफट से ताकि चीजें क्लियर होती जाएं और आज के बाद इस तरह के प्रश्नों में हमारी कोई दिक्कत ना हो चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये पांच फार्मेट फर्स्ट फार्मेट वर्णमाला क्रम पहला फार्मेट क्या होगा वर्णमाला क्रम या वर्णमाला का सीधा क्रम तो वर्णमाला के सीधे क्रम का मतलब क्या होगा वर्णमाला क्रम वर्णमाला क्रम क्या होता है जब वर्णमाला ए टू जेड आर्डर में लिखा हो यानी जब वर्णमाला ए टू जेड आर्डर में लिखा गया हो अब हमसे पूछेगा इसी पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अब क्वेश्चन की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में पूछेगा यहाँ पर पूछेगा क्या कि बाएं से बाएं से सत्रहवा अक्षर कौन सा होगा बाएं से सत्रहवाँ अक्षर सत्रहवाँ अक्षर कौन सा होगा तो बाएं से सत्रहवा अक्षर अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब यह है देखो यहां पर आपको किताबों में बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे बाएं से का मतलब दाएं जाना दाएं से का मतलब बाएं जाना लेफ्ट राइट हो तो क्या करना है लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या करना है राइट राइट हो तो क्या करना है इन सब सारी चीजों को मैंने अब आपको बताना बंद कर दिया क्योंकि इन सारी चीजों से आप कभी ना कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाते हो चार छह प्रश्नों में एक आध प्रश्न आपसे गलत हो ही जाता है इतना से छोटा प्रश्न और अगर गलत हो जाए तो यह बहुत बड़ी विडंबना है तो मैं ऐसा रास्ता बताता हूं अब जिससे आप किसी भी रूप में गलत ना करें देखें एक ही तरीके को हमेशा ढोना बुद्धिमानी नहीं होता बल्कि चीजों के साथ आप बदलते रहिए प्रश्नों के साथ आप चुनाव करते रहिए कि अब वाले कंडीशन में कौन सा बेहतर तरीका है तो मेरी नजर में अब वाले तरीकों में अब वाले जैसे प्रश्न आते हैं तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना है सीधे सीधे जब कहे कि वर्णमाला क्रम तो आपको पूरी वर्णमाला नहीं लिखनी है बस ए और जेड को ऐसे लिख लो सामने और जो भाषा बोल रहा हो उसको इसी पर लागू करने की कोशिश करो बोल क्या रहा है बाएं से सत्रहवां अक्षर तो बाएं यानी कौन है इसका बाया मतलब हमारा बाया तो हमारा बाया क्या होगा ए होगा तो बाएं से सत्रहवा अक्षर तो बाएं से सत्रहवा अक्षर क्या होगा ए से सत्रहवा अक्षर जो सत्रह क्रमांक पे आएगा और सत्रह क्रमांक किसका होता है सत्रह नंबर प्लस वैल्यू किसका है ये आपको याद रहेगा आज के बाद आज के लिए समझ लो कि सत्रहवें नंबर पर लेटर क्यू आता है तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा हमारा जवाब क्या हो जाएगा अक्षर क्यू लेटर क्यू लेकिन यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन अगर हमसे पूछ ले हमसे पूछ ले कि दाएं से दाएं से ग्यार अक्षर दाएं से ग्यार अक्षर कौन सा होगा तो दाएं से ग्यार अक्षर कौन सा होगा के लिए फिर से आप वही अपने सामने रख लो क्या वर्णमाला क्रम अब इस पर कह रहा है दाहिने से ग्यारवा अक्षर तो दाएं कौन होगा हमारे दाएं तो जेड है तो दाएं कौन होगा दाएं से ग्यारहवा अक्षर पूछ रहा है एक बात बताओ कि दाएं से जेड की तरफ से हमने क्रमांक याद किया हुआ है नहीं ना हम किसकी तरफ से क्रमांक याद किए हुए हैं सारे क्रमांक हमने ए की तरफ से याद किए हुए हैं है. तो ये जेड की तरफ से तो ग्यार है लेकिन जेड की तरफ से ग्यारवा होने की वजह से हम इसका लेटर नहीं बता पाएंगे हां अगर इस लेटर की प्लस वैल्यू ए की तरफ से हमें पता चल जाए तो हम तुरंत जवाब दे देंगे और अभी अभी मैंने दिखाया कि प्रत्येक अक्षर के दोनों प्लस वैल्यू का योग ए और जेड दोनों तरफ से प्लस वैल्यू का योग ट्वेंटी सेवन सत्ताइस होता है तो अगर भैया दोनों प्लस वैल्यू का योग सत्ताइस होता है तो सत्ताईस से हम माइनस कर देंगे जो जेड की तरफ से प्लस वैल्यू है ग्यारह तो ये प्लस वैल्यू क्या आ गया ए की तरफ से यानी इसी लेटर का ए की तरफ से प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा 16 और जैसे 16 हुआ हम तुरंत जान जाएंगे कि ए की तरफ से सोलवा लेटर क्या होता है पी तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा पी तो ये दो क्वेश्चन तो मूल बेस हैं। दो क्वेश्चन में हमने क्या सीखा हमने ये सीखा कि अगर ए की तरफ से हमें नंबर बताया गया है तो उस नंबर का अक्षर ज्ञात कर लें। लेकिन अगर हमें जेड की तरफ से बताया जा रहा है नंबर तो हम जेड की तरफ से नंबर बताने पर पहले उसे 27 से घटाएंगे तब उसका लेटर पता करेंगे तब उस नंबर का अक्षर पता करेंगे तो बेस बनाओ दो प्लेटफॉर्म क्या ए की तरफ से पूछे तो सीधे सीधे उस नंबर का अक्षर ज्ञात कर लेना जेड की तरफ से पूछे तो 27 से घटाने के बाद राइट तो ये दो बेस रहेंगे जो शुरू से आखिर तक पांचों फॉर्मेट में इनकी जरूरत पड़ती रहेगी तो ये तो बेस है इनको लेफ्ट राइट के रूप में रटिए मत सामने रखिए चाहे जो सिचुएशन दे एकदम क्लियर होगा एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है अगला उसी टाइप में हम चलते हैं कि अगर अगला क्वेश्चन आपसे कर दे क्या कि बाएं से बाएं से अठारहवें अक्षर अठारहवें अक्षर के बाएं के बाएं सातवां अक्षर सातवां अक्षर कौन सा होगा ठीक है तो अब जरा आप देखें जैसे ही इसने बोला तुरंत आप जो है क्या करेंगे वर्णमाला क्रम है ना तो फर्स्ट फॉर्मेट आप ऐसे रख लेंगे हवा में बातें मत करो कोई चीज रट्टा मारो ही नहीं भाई रट्टा मारने वाला प्रश्न नहीं है ठीक है फार्मूला ट्रिकी वाला प्रश्न नहीं है सिर्फ एकदम सिंपल तरीके से देखें आपके फार्मूले से भी आसानी तरीके से हल होगा जैसे देखो बाएं से अठारवा अक्षर तो बाएं से चलेंगे अठारवा अक्षर मान लो यहां पर है अब अठारवें अक्षर के बाएं अब इस अक्षर के अगर बाएं जाना होगा तो किधर जाएंगे बाया किधर होगा हमारा बाया इस तरफ होगा ना लेफ्ट तो लेफ्ट आएंगे तो वापस आएंगे याद रखना आगे जाना है तो उतना जोड़ दें और वापस जाना है तो उतना माइनस कर दें तो 18 से 7 माइनस करेंगे क्या बचेगा ग्यारहवा कहां से जहां से चले थे जहां से चले थे तो ए से ग्यारहवा अक्षर कौन सा हो जाएगा जो जिसका प्लस वैल्यू 11 है यानी के तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा के हमारा जवाब क्या हो जाएगा के बात समझ में आई कुछ भी नहीं करना है काहे बेवजह के आप रटोगे सीधे सीधे जब जवाब आपके निकल ही रहे हैं तो रटने वाली स्थिति क्यों अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन देखें दाएं से सातवें अक्षर दाएं से सातवें अक्षर के के बाएं ग्यार अक्षर ग्यारहवा अक्षर कौन सा होगा कौन सा होगा ठीक है तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम खट से वर्णमाला क्रम है तो ए टू जेड अपने सामने रख लेंगे इस पर हम कार्रवाई करेंगे इसको इस वर्बल को हम नान वर्बल रूप में रखने की कोशिश करेंगे अपने आरेख में कैसे कह रहा है दाएं से सातवें अक्षर तो दाएं कौन है जेड तो दाएं से सातवें अक्षर के बाएं अब इसके बाएं जाना होगा तो किधर जाएंगे बाई तरफ अब बाएं तरफ जाएंगे ग्यारां लेटर तो इसके बाएं जाना है तो ग्यारह ऐड हो जाएगा तो सत्रह ग्यारह क्या हो गया अठारवा लेटर कहां से फाइनल रूप में जेड से अठारवा और अभी अभी हमारी बात हुई कि जेड से बताने के लिए जब क्रम आ जाए तो हम क्या करेंगे पहले उसे सत्ताईस से पटकी मारेंगे सत्ताईस माइनस अट्ठारह क्या हो जाएगा नौ और नवा क्रमांक ए से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई हमारा जवाब क्या हो जाएगा आई बात समझ में आई ठीक है तो एक क्रम हमारा हो जाएगा तो किसी भी रूप में आखिर आपको लेफ्ट राइट दाएं बाएं रटने की जरूरत क्या है हां अपना दाया बाया अपना लेफ्ट राइट क्लियर करिए और आपके ही लेफ्ट राइट से वर्णमाला का भी लेफ्ट राइट चलेगा ठीक है अगर आपको किसी लेटर के राइट जाना है ठीक है तो राइट का मतलब सामान्य रूप में जेड की तरफ होता है और लेफ्ट का मतलब ए की तरफ लेकिन विशिष्ट रूप में आप कहां से आए हैं और किधर जाना है जरूरी नहीं कि हमेशा वर्णमाला ऐसी हो ना रिवर्स क्रम में भी होता है तो ऐसी चीजें एक भी चीज रटो ही नहीं सिर्फ सामान्य तरीके से समझते जाओ एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं क्वेश्चन देखें अगला बाएं से बाईसवें अक्षर बाएं से बाईसवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर सातवां अक्षर कौन सा होगा तो अब इस तरह का प्रश्न आए तो हमें क्या करना है वही पुराना तरीका क्या वर्णमाला क्रम है ऐसे कह रहा है बाएं से बाईसवा तो बाएं से बाईसवा यहां पर आए बाईसवें के बाएं अब इस लेटर के बाएं जाना होगा तो किधर जाएंगे बाया मतलब हमारे बाएं तो वापस होंगे ना सातवा अक्षर कह रहा है तो सात माइनस कर दें तो बाईस माइनस सात क्या हो जाएगा पंद्रहवा कहा से ए से तो ए से पंद्रहवा क्या होता है जिसका प्लस वैल्यू पंद्रह है यानी लेटर ओ हो जाएगा कौन सा अक्षर ओ हो जाएगा इसी तरह इसी तरह इसी तरह देखें क्वेश्चन है कि दाएं से दाएं से अठारहवें अक्षर दाएं से अठारहवें अक्षर दाएं से अठारहवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर सातवां अक्षर कौन सा होगा कौन सा होगा ठीक है तो इस कंडीशन में वर्णमाला का सेब प्रारंभिक क्रम चल रहा है हमें कोई समस्या नहीं है हम उसी रूप में सामने रख लेंगे हम उसी रूप में सामने रख लेंगे क्या करेंगे वर्णमाला क्रम है तो हम तत्काल रूप में वही स्थिति पूरी वर्णमाला ए टू जेड आर्डर में अपने सामने अब जैसे कह रहा है दाएं से अठारहवें अक्षर तो दाएं कौन है जेड तो यहां से अठारवें अक्षर यहां पर आएंगे दाएं अब इसके दाएं जाना होगा तो दाया तो हमारा इस तरफ है ना दाएं जाएंगे तो अब इस तरफ जाएंगे तो वापस हो जाएगा ना ऐसे आए थे वैसे जाएंगे तो वापस हो जाएगा सात तो बचेगा क्या ग्यारह कहां से जेड से और जेड से ग्यारहवें के लिए हम क्या करते हैं सत्ताईस से घटा लेते हैं सत्ताईस माइनस ग्यारह यानी सोलह यानी पी तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा लेटर पी हमारा जवाब क्या हो जाएगा लेटर पी इसी तरह इसी तरह, तरह अब सेकंड फॉर्मेट के क्वेश्चन अगर आ जाए सेकंड फॉर्मेट क्या था कि वर्णमाला का विपरीत क्रम ठीक है क्या था वर्णमाला का विपरीत क्रम तो वर्णमाला का विपरीत क्रम वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होगा वर्णमाला का विपरीत क्रम होगा जब वर्णमाला जेड टू एर्डर में हो ठीक है अब इससे संबंधित इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे किया जाएगा जानते हैं कहा जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस सेंटेंस का मतलब वर्णमाला का सेप। तो वर्डमाला का विपरीत क्रम ठीक है तो अगर अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो तो हमसे पूछा जाए हमसे पूछा जाए कि बाएं से बाएं से पंद्रहवें अक्षर बाएं से पंद्रहवें अक्षर के दाएं के दाए चौथा अक्षर बताए के दाए चौथा अक्षर बताएं तो अब इसके दाए चौथा अक्षर क्या होगा वर्णमाला का विपरीत क्रम है तो पूरी वर्णमाला पूरी वर्णमाला जेड टू एर्डर में है यानी अब हम इतना सामने रख ले सारे संशय सारे हेडेक को खबा कर दो खत्म कर दो सिर्फ इतना सामने रख लो तो कह रहा है बाएं से पंद्रहवें अक्षर तो बाया तो अब जेड है ना तो बाएं से पंद्रहवें अक्षर ये हो गया अब पंद्रहवें अक्षर के दाएं अब इसके दाएं चलेंगे तो दाया मतलब हमारे दाएं आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा तो ये चार जोड़ दें तो पंद्रह चार उन्नीसवा अक्षर कहां से जेड से और जेड से क्रमांक के लिए हम क्या करते हैं अक्षर ज्ञात करने से पहले 27 से दिया गया क्रमांक घटा देते हैं तो 27 माइनस उन्नीस यानी 8 और आठवां लेटर क्या हो जाएगा एच आठवां लेटर क्या हो जाएगा एच तो हमारा जवाब हो जाएगा एच ठीक है अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन देखें कि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो दाएं से दाएं से दाएं से नौवें अक्षर नौवें अक्षर के बाएं के बाएं आठवा अक्षर बताएं आठवां अक्षर बताएं तो आठवां अक्षर बताएं तो अब इस कंडीशन में हम जानते हैं कि वर्णमाला रिवर्स क्रम में है यानी जेड टू आर्डर में है तो हमसे पूछ क्या रहा है दाएं से नौवें अक्षर तो दाया कौन है A तो दाएं से नौवें अक्षर के बाएं अब इसके बाएं जाना होगा तो बाया तो हमारा इस तरफ है यानी ऐसे आएगा तो बढ़ेगा है ना तो नौ आठ सत्रह हो जाएगा और सत्रहवां लेटर कहां से ए से और ए से सत्रहवा लेटर हमें पता है कि सत्रहवां लेटर कौन सा होता है क्यू सत्रवां लेटर कौन सा होता है क्यू तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा क्यू ठीक है तो ये याद रखना कि जैसे शुरुआती लाइन हो उसी बेस पर हमें काम करने हैं किसी भी तरह से पूछा हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता एकदम सिंपल शानदार तरीके से आपका जवाब निकलता जाएगा कोई समस्या नहीं होगी ठीक है अब इसी क्रम में अब इसी क्रम में अगर आपसे कहे थर्ड पार्ट को ले ठीक है थर्ड पार्ट क्या था प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम ठीक है प्रथम अर्धांश प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम तो प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम क्या था विपरीत क्रम इसका क्या था कि जहां पर पहला अर्धांश एम टू में हो और दूसरा अपनी सामान्य अवस्था एन टू जेड आर्डर में यानी जब सेंटेंस कहे कि यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो खट से यह सेप समझ लेना कि यह हमारा है इसका मतलब ये मत निकालना कि पहला तेरह अक्षर से ही प्रश्न बनेगा नहीं वर्णमाला में हमेशा छब्बीसों अक्षर रहेंगे इस बात को ध्यान में रखिएगा और अब अब जरा देखें अब अगर कहे कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो अब यहां पर आपसे प्रश्न कर ले कि दाएं से दाएं से दसवें अक्षर दाएं से दसवें अक्षर के के बाएं ग्यारवा अक्षर बताएं के बाएं ग्यारवा अक्षर बताएं अब इस कंडीशन पे हमारा जवाब क्या होगा तो यहां पर देखो लेफ्ट राइट right का आपका फॉर्मेट पहले दो तक तो काम कर जाएगा लेकिन तीसरे से उस फॉर्मेट के लिए भी आपको बहुत सारे चीजें याद करने पड़ेंगे तो मेरा मानना है कि अगर आपको एक फार्मूले से पूरा काम नहीं बन पाएगा फिर वो तरीका बनाए जिससे सभी तरह के प्रश्न आसानी के साथ हल हो जाए तो उसके लिए देखें जैसे ही मैंने आपसे कहा कि प्रश्न आए तो फॉर्मेटिंग दिमाग में रहे तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो अर्धांश क्या होगा पहला होगा एम टू ए और दूसरा N2Z टू जेड यानी अब ये छब्बीसो लेटर की श्रृंखला इस रूप में है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे इस रूप में पूछ रहा है तो अब इस रूप में पूछ रहा है तो इसका हम जवाब कैसे निकालेंगे जैसा प्रश्न कह रहा है दाएं से दसवें अक्षर तो दाया कौन है जेड तो दाएं से दसवें अक्षर मान लो यहां पर आए तो दसवें अक्षर के बाएं ग्यार अक्षर अब इस अक्षर के बाएं जाएंगे तो बाया तो हमारा इसी तरफ है ग्यारवा अक्षर यानी ग्यारह प्लस हो जाएगा तो दस में ग्यारह प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्कीसवां लेटर लेकिन ये इक्कीसवां लेटर अगर जेड से होता तो हम सत्ताइस से घटा देते लेकिन यहां पर देखो भाई जेड से एम तक बात तो आई है ठीक है लेकिन इसके बाद बात ए से शुरू हो गई है अब ये जो लेटर आया हुआ है ये ए और एम के बीच मिल रहा है ए और एम के बीच है अब आप सोचो कि इसका क्रम ए से अब जेड से जानने पर तो आएगा नहीं तो अब इसका क्रम हम ए से जान जाए आसान होगा कि एम से तो निश्चित रूप से देखकर बता सकते हो कि ए की तरफ से अगर इसका क्रम पता चल जाए तो हम खट से जवाब निकाल सकते हैं तो की तरफ से आपको कुछ करना भी नहीं सीधे सीधे आप देखिए कि यहां से लेकर यहां तक कुल तेर कितने अक्षर होते हैं तेरह अक्षर तो अगर इस इक्कीस में से अगर इस इक्कीस में से हमें तेरह निकाल दें इस तरफ इक्कीस में से तेरह इधर निकाल दें तो इधर कितना बचेगा इधर आठ बच जाएगा तेरह अगर इस तरफ हो गया तो ये कितना बचा आठ यानी जो जेड से इक्कीसवा है वो ए से आठवां है और ए से आठवां कौन होगा ए से आठवां कौन होगा एच खट से हमारा जवाब दिख गया कुछ भी नहीं करना इन अल्फाबेट के फॉर्मेट से जुड़ने का तात्पर्य यही है कि चीजें शानदार तरीके से हमारे सामने दिखाई दे चीजें शानदार तरीके से हमारे सामने दिखाई दे किसी भी तरह का कोई काम नहीं है भाई हर प्रश्न के साथ आपको मेमोराइज रट्टा मारने की जरूरत नहीं प्रश्न के साथ एक बार हमें जुड़ना कैसे है यह तैयार हो गया तो चाहे जितनी बार घुमाए चाहे जैसे करे आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा कि कहां से क्या किया जाए कि हमें हमारा जवाब आसानी के साथ मिल जाए राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कहे वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है फिर हमसे पूछे कि बाएं से बाएं से बाएं से उन्नीसवें अक्षर बाएं से उन्नीसवें अक्षर बाएं से उन्नीसवें अक्षर के बाएं से उन्नीसवें अक्षर के बाएं ग्यारहवा अक्षर बताएं ग्यारहवा अक्षर बताएं ठीक है तो यहां पर देखें जब वर्णमाला क्या है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो पहला M2A और दूसरा एन टू जेड इस रूप में हमारी वर्णमाला है तो हमें क्रिया क्या करनी है हमें इस पर क्रिया क्या करनी है इस वाले शब्द शाब्दिक प्रश्न को आरेखी रूप में लगाना यानी वर्बल को नॉन वर्बल रूप में सजाना और हमें जवाब निकलने के तरीके खुद ब खुद दिखाई देंगे तो यहां पर देखें बाएं से उन्नीसवें अक्षर तो बाया ये है तो बाएं से उन्नीसवें अक्षर मान लो यहां पर कहीं आए उन्नीसवें अक्षर के बाएं अब इस अक्षर के बाएं जाना होगा तो किधर जाएंगे बाया तो इस तरफ होता है तो बाएं का मतलब वो घटना हो जाएगा माइनस तो उन्नीस माइनस ग्यारह से ग्यारह माइनस करेंगे तो आठवां हो जाएगा कहां से एम से एम से आठवां और एम से आठवें के लिए हम क्या करेंगे एम से आठवें के लिए हम क्या करेंगे अब जरा देखो अगर जब ए से जेड तक याद करो जब A से ए से जेड तक ये टोटल छब्बीस अक्षर थे तो दूसरे छोर से निकालने के लिए हम क्या करते हैं छब्बीस से नहीं घटाते ना छब्बीस एक 27 से घटाते हैं वही सेम लॉजिक ए से लेकर एम तक तेरह अक्षर हैं, तो जब हम एम से देखना होगा तो हम तेरा से नहीं बल्कि तेरह एक चौदह से घटाएंगे तो चौदह माइनस आठ कर लेंगे छ आ जाएगा यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा एफ हमारा आंसर क्या हो जाएगा एफ यानी जो एम से आठवां लेटर है वो ए से छठवा होता है तो ए से छठवां कौन सा होता है एफ तो ए से छठवा कौन सा होता है एफ तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा एफ क्लियर इसी तरह इसी तरह अगर अगर अगला फॉर्मेट कि द्वितीय अर्धांश को द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम कैसे देखेंगे द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम कैसे देखेंगे कि जब पहला अर्धांश अपनी सामान्य अवस्था में हो और दूसरा दूसरा अपने रिवर्स क्रम में हो दूसरा जेड टू एन आर्डर में हो ठीक है यदि हमसे कहे कि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इसका मतलब वर्णमाला का ए सेप और इस सेप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन को चलिए देखते हैं जैसे अगर हमसे क्वेश्चन कर दे कि दाएं से दाएं से पंद्रहवें अक्षर दाएं से पंद्रहवें अक्षर के के दाएं दाएं दसवां अक्षर बताएं दसवां अक्षर बताएं दसवां अक्षर बताएं तो पहले तो सेफ क्लियर करिए कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो वर्णमाला का सेफ ए टू एम और Z टू N आर्डर में होगा यानी पूरी वर्णमाला इस रूप में अब इसी रूप में ऐसा सामने रख करके प्रश्न को इसी पर फिट करें कैसे दाएं से पंद्रहवें अक्षर दाए कौन है जेड तो यहां से पंद्रहवें अक्षर ए हो गया पंद्रह अक्षर के दाए अब इसके दाए जाएंगे तो हमारा दाया तो इस तरफ तो दाएं इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो पंद्रह से दस माइनस होगा पांचवा अक्षर कहां से जेड से एन तो से तो एन से पांचवा अक्षर है अब एन से पांचवा अक्षर है तो या तो आपको हम दूसरा फार्मूला रटने वाला बताएं जबकि मैं रटने वाला फार्मूला नहीं बताना चाहता तो एक काम करिए आप आप अपने पर जोर दीजिए इस फार्मूले के लिए जरा सोच कर बताइए कि वर्णमाला में एन से पहले कितने लेटर होते हैं वर्णमाला में एन से पहले कितने लेटर हुआ करते हैं तो आप सबको पता है कि वर्णमाला में एन से पहले तेरह लेटर होते हैं तो जो यन से पांचवा है अगर हम ए से इसका क्रम जान जाएं, तो जवाब क्योंकि हमने ए की तरफ से ही क्रम याद करके रखा हुआ है हमने जो क्रम याद किया हुआ है किसकी तरफ से की तरफ से क्रम याद करके रखा हुआ है तो ए, एन की तरफ से पांचवा तो है लेकिन अगर की तरफ से इसका क्रम मिल जाए तो हम खट से जवाब बता दें तो जरा सोच कर देखिए कि अगर एन से पांचवा है और एन से पहले तेरा अक्षर होते हैं तो तेरा क्रमांक और प्लस हो जाएगा यानी जब भी आपको एन से क्रम देखना हो एन से क्रम दिया हो उसे ए से समझना हो तो तेरा अक्षर इससे पहले होते हैं तो तेरा क्रमांक प्लस कर दें तो तेरा पांच अठारवा हो जाएगा यानी जो एन से पांचवा है वो ए से तेरह प्लस पांच अठारवा हो जाएगा तो अठारवां कौन सा हो जाएगा अठारवा कौन सा हो जाएगा आर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आर बात समझ में आई इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आर ठीक है तो खुद तय करिए खुद बताइए कि कैसे जवाब क्या निकल सकता है इसी तरह इसी तरह क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर कर दे कि बाएं से बाएं से बाएं से बारहवें अक्षर बाएं से बारहवें अक्षर के बाएं से बारवें अक्षर के दाएं नौवा अक्षर नौवा अक्षर क्या होगा नौवा अक्षर क्या होगा ठीक है तो अब वही फॉर्मेट है कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ए टू एम पहला अर्धांश दूसरा जेड टू एन अब इस पर हम हल करेंगे उसकी भाषा के अनुसार कैसे बाएं से बारवें अक्षर तो बाएं कौन है ए तो बाएं से बारवा अक्षर ए होगा के दाए नौवा अक्षर अब इसके दाएं चलेंगे तो दाया तो इस तरफ है ना तो नौ जुड़ जाएगा तो बारह नौ इक्कीसवां अक्षर हो गया अब 21वां अक्षर अगर ए से होता तो हम सीधे सीधे यू बता देते ना लेकिन यहां पर ए से एम तक बात तो ठीक आई है लेकिन इसके बाद से जेड से बात शुरू हो गई तो ए एम और एन और जेड के बीच में आ रहा है तो इस परिस्थिति में ए से और एम से हमारा काम नहीं चलेगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे हम इसके लिए यह करेंगे कि यहां पर आपको देखो क्रम बताया जाता है फोर्टीन माइनस लेकिन मैं उतना भी आपको रटाना नहीं चाहता मैं यह चाहता हूं कि ये चीजों को आप सीधे सीधे ऐसे समझो कि अगर इसका क्रम हमें जेड से पता चल जाए इसका क्रम जेड से पता चल जाए तो हम बता सकते हैं है ना इस ए एस, से नहीं तो यह देखें यहां से लेकर यहां तक कितने लेटर हैं तेरा लेटर है ना तो 21 से 13 लेटर इधर निकाल दो तो 13 लेटर इधर निकल जाएंगे तो 21 से माइनस कर दो 13 तो बचेंगे कितने आठ इधर से यानी जो इस पोजीशन पर ए से इक्कीसवा है वो जेड से यानी यहां से आठवां है और जो जेड से आठवां है अगर ये पता चल गया तो जेड से अक्षर बताने के लिए हम क्रमांक को क्या करते रहे हैं सत्ताईस से घटाते हैं ना तो सत्ताईस माइनस आठ उन्नीस हो जाएगा और एस इस पोजीशन पर आपको कहा जाता है कि आप चालीस से घटा दें इक्कीस तो उन्नीस खट से आ जाए लेकिन भाई मेरे एग्जाम हाल में आप कैसे याद कर पाएंगे कि कहां से कैसे क्या घटाना है कब चालीस से घटाना है तो मैं चाहता हूं कि हर प्रश्न के साथ उसका तरीका जोड़कर रखिए आपके लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा ठीक है हर प्रश्न के साथ तो बातें क्लियर हो रही हैं ठीक है तो अल्फाबेट में आपको क्लियर से क्लियर समझ लेना कुछ भी नहीं करना है यही नोट्स आपको मिल जाएगा इस नोट्स को एक बार अकेले में बैठकर फिर से समझ लेना याद रखना मैं जैसा कह रहा हूं उसे रटने की कोशिश मत करना बल्कि उसको समझने की कोशिश करना तो मेरा नहीं फिर आपका तरीका हो जाएगा और वो आपके साथ हमेशा रहेगा तो इस बात को ध्यान में रखना है अगला क्वेश्चन अगला फॉर्मेट पांचवा देखें कि अगर दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो ठीक है दोनों अर्धांश दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो क्या करेंगे क्रम में हो तो क्या करेंगे पहला वाला क्या हो जाएगा एम टू ए और दूसरा वाला भी जेड टू एन यानी अगर हमसे प्रश्न कहे कि यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इसका मतलब वर्णमाला का सेप और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो इस पर कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो तरीके हमने वहां पर देखे हैं वही दोनों मिलकर के यहाँ पर आएंगे तो इसलिए यहाँ पर कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी तो यहां पर जैसे हमसे पूछ ले कि दाएं से दाएं से छठे अक्षर छठवें अक्षर के बाएं के बाएं ग्यारहवा अक्षर बताएं के बाएं ग्यारहवां अक्षर बताएं ठीक है तो अब इस तरह से अगर क्वेश्चन कर ले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम वो फॉर्मेट रखेंगे जो दिया गया है क्या कि अगर दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो पहला एम टू ए और दूसरा जेड टू ए इस रूप में आपका हो जाएगा और इस रूप में हो जाएगा तो यहां पर अब आप देखें इसी को प्रश्न पर इस पर लागू करने की कोशिश दाएं से छठवें अक्षर तो दाएं से छठा अक्षर यहां मान लीजिए हो गया के बाएं ग्यारहवा अक्षर अब इसके बाएं जाएंगे तो बाया किधर होगा बाया किस तरफ हो जाएगा दाएं से छठवें अक्षर के बाएं बाया तो इस तरफ होगा ना हमारा बाया तो ग्यारा अक्षर ग्यारह ऐड हो जाएगा और सत छे में ग्यारह ऐड हो जाएगा तो ग्यारह छह सत्रहवा लेटर अब जरा आप खुद समझो आपके सामने कंडीशन है अगर एन से जड़ तक बात होती तो हम एन से जानने के लिए तेरह प्लस कर देते लेकिन ये से जेड तक तो बात आई लेकिन फिर बात ए से शुरू हो गई तो हमारे लिए इसका ए से जानना सबसे फायदेमंद होगा और अगर ए से जानना है तो देखो सेव ए से पहले इधर कितने अक्षर हैं तेरा तो सत्रह से तेरह इधर माइनस कर दो बाकी चार इधर बच जाएगा यानी जो एन से सत्रहवा है वो ए से चौथा हो रहा है और ए से चौथा क्या होता है हमें ढूंढना पड़ेगा हमें ढूंढना पड़ेगा तो ए से चौथा क्या होता है जिसका चार क्रमांक होता है यानी डी है ना तो हमारा जवाब हो जाएगा अक्षर डी इसी तरह इसी तरह क्वेश्चन अगर आपसे कर दे क्वेश्चन कर दे कि बाएं से आठवें अक्षर बाएं से आठवें अक्षर के दाएं दाएं बाएं से आठवें अक्षर के दाएं ग्यारवा अक्षर बताएं ग्यार अक्षर बताएं और ऐसे में आपको याद रखना है फार्मेट क्या है फार्मेट है फार्मेट क्या है दोनों अर्धांशों को रिवर्स क्रम में विपरीत क्रम में लिखा गया है तो पहला एम टू ए और दूसरा Z to N और इस रूप में अगर फॉर्मेटिंग की गई है तो इसी पर इस प्रश्न को रखें बाएं से आठवें अक्षर तो बाएं कौन है M है तो बाएं से आठवें अक्षर मान लो A है आठवें अक्षर के दाएं अक्षर तो इसके दाएं जाएंगे तो इस तरफ ग्यारहवां अक्षर यानी ग्यारह प्लस हो जाएगा तो ग्यारह आठ क्या हो जाएगा उन्नीसवा अक्षर अब ये उन्नीसवां अक्षर हम किधर से निकालेंगे एम से ए तक तो बात उल्टे क्रम में आई फिर बात जेड से शुरू हो गई तो जेड से निकालना ज्यादा आसान होगा है ना तो हम क्या करेंगे यहां पर भी वही कंडीशन है चालीस माइनस चालीस माइनस करने से लेकिन आप भूल जाओगे कहां करना है कहां नहीं करना है इसलिए मैं रटने वाली लाइन नहीं बताता तो यहां पर देखो यहां पर ए से ले एम से लेकर ए तक कितने लेटर है तेरा तो 19 से 13 इधर दे दो और बाकी जो बचेगा 6 इधर दे दो यानी इसका मतलब ये छठवा है जेड से तो जेड से क्या है जाएगा छठा और जेड से आए क्रम को अक्षर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 27 से माइनस करते हैं ना तो 27 माइनस छ इक्कीस और इक्कीसवां लेटर क्या हो जाएगा यू इक्कीसवा लेटर क्या हो जाएगा यू तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यू बात समझ में आई तो ये पांचों फॉर्मेट जो दाएं बाएं से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है एक क्वेश्चन की संभावना रहती है तो आप एक बार इनको क्लियर कर लो एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पकड़कर ही जंग जीत सकते हैं एक भी क्वेश्चन को कभी भी किसी भी रूप में अवॉइड नहीं करना अवॉइड करने का मतलब कि हमारे अंदर भगोड़ापन हो रहा है नहीं भाई हमें साहसी के रूप में जवाब देना है एग्जाम का परीक्षा का भगोड़े के रूप में नहीं तो भागने की प्रवृत्ति किसी भी तरह से पालना नहीं है भागने की प्रवृत्ति किसी भी तरह से पालना नहीं है क्लियर है तो इस तरह के प्रश्नों को लेकर के और हम अल्फाबेट के दूसरे सेक्शन में आपको दिखाएंगे कि विभिन्न और कितने तरीकों से प्रश्न बनते और पूछे जाते रहे हैं। याद रखना दो तो मिनिमम कम से कम हुए तो अल्फाबेट से दो वरना तीन से चार तो सच तो यह मानिए कि तीन ही है निश्चित रूप से कम से कम तीन भी कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा क्योंकि जो अगले टाइप हम आपको बताएंगे वो सारे टाइप देख करके आप जान जाएंगे कि हाँ सर तीन से चार प्रश्न की संभावना यहां से होती है तो अल्फाबेट की अगली क्लास को निश्चित रूप से उसे ज्वाइन करिए और याद रखें जितने नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा के रखें बजा के रखें कारण है ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और मैं चाहता हूं कि लाइव क्लास को लाइव के रूप में आप रहे ताकि आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का बेस मिले एकदम चीजें क्लियर हो और प्रयास यही होगा कि किसी भी रूप में आपको कोई दिक्कत ना आए और आए तो एक बार नोट्स को देख लेना क्रम वाइज सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कोई समस्या नहीं रहेगी तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली क्लास के लिए तब तक मजे से साथ पढ़ते रहिए क्लियर करते रहिए ठीक है, है तो आज तक के लिए बस यही, धन्यवाद नमस्कार